आज हम निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये सरप्राइज़ है, आप लोग गेस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हो रहा है 6:14, हमारा फ्लाइट है 8 बजे। ये हमारा इतना सारा सामान, और सब एक्साइटेड है जाने के लिए। पूरा पूरा हर हर महादेव। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, मैं वहां से आपको दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हम हैं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट में। तो मैंने आपको दिखाया हम घर से कैसे निकले थे इतना सारा सामान लेके। अभी बैगेज चेक इन करा रहे हैं, ठीक है। हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और ये मेरी फैमिली। अभी बैगेज चेक इन करा रहे हैं। पहली बार फ्लाइट में जा रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ। डर नहीं लग रहा? नहीं। आपको डर लग रहा है मम्मी? नहीं नहीं। आप तो जा चुके हैं। जा चुके हैं, अच्छा लग रहा है, हम सब जाना चाहते हैं। देखिए और सामान। कितना टाइम हो रहा है? अभी बज रहा है 7। और हम ये फर्स्ट टाइम मिल के जा रहे हैं उड़ीसा से बाहर। ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, एट द सेम टाइम आई एम वेरी नर्वस ऑल्सो, बट आई एम एक्साइटेड। कुछ नहीं लगता, दिन में अगर फ्लाइट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, रात का उतना खास नहीं लगता। गाइस ये लोग हमको बोल रहे हैं रील बनाने के लिए, लेकिन इतने लोग हैं यहाँ पे, मुझे लाज लग रही है। मुझे शर्म आ रही है यार। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी दिल्ली जा रहे हैं, फिर उससे आगे दिल्ली से हरिद्वार, उसके बाद मत बताइए, ये सरप्राइज है। जुड़े रहिए मेरे चैनल में जानने के लिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है। हम बोर हो रहे थे तो चेस खेलने आ गए हैं। ये देखिए सेकंड ब्लॉगर। ओ सॉरी सॉरी, मैंने गलत मेरी गलती में, एक्चुअली मुझे चेस खेलने का मन था इसलिए मैंने चेस बोल दिया, ठीक है। सॉरी 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 गाइस, ये कैरम खेलने आ गए हैं। साइड में बैठी है मेरी बहन, और वो बहुत खुश है क्योंकि पहली बार जा रही है और उसको विंडो सीट मिला है। और आगे बैठे हैं मम्मी लोग, और उधर बैठे हैं हस्बैंड और पापा एंड कैप्टन जसदीप सिंह सोधी। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, और ये बोल रही है तब से ये फ्लाइट क्यों नहीं उड़ रही है, बोल रही है इतने दूर वो स्कूटी में आ जाती। चुके हैं दिल्ली, अभी जा रहे हैं हमारा बैगेज कलेक्ट करने। आज हम ट्विनिंग कर रही हैं, देखिए वाइट वाइट ट्विनिंग। और यार देख लीजिए तो जल्दी परवा सा। सीढ़ी वाला टॉप ठीक नहीं लगा। वेलकम टू दिल्ली।
हम हमेशा भागते ही रहते हैं, अभी हम भाग ही रहे हैं। घर वाले पीछे आराम से आ रहे हैं, बहुत दूर है, हम आगे आ गए हैं। वी आर हियर अगेन। वेलकम टू दिल्ली अगेन। बैग ले लो। ये देखिए हमारा लगेज, दिल्ली में पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए होटल में, ये है होटल पर महिपालपुर में ही, और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली होटल रूम में, और मैंने बोला था ना कि हमारे साथ ट्रेजेडी नहीं होके रह ही नहीं सकता। पिछली बार भी दिल्ली में ही हुआ था, बैग टूट गया था हमारा। इस बार क्या हुआ ना, एयरपोर्ट में बैग छूट गया, एक बैग। हम लोगों का टोटल 8 बैग है, हम लोग 7 बैग लेके वापस आ रहे थे, तो फिर बीच रास्ते में मुझे याद आया और उसकी वजह से परेशानी हुई, और गए हैं अभी हस्बैंड और पापा लाने के लिए, और हम आ गए हैं होटल में। तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ, ठीक है। हमने 2 रूम बुक किए हैं, ये है एक रूम, ये है बेड, ये है वॉशरूम। रूम सब बहुत क्लीन है। यहाँ पे और एक रूम है, ये है, सेम वॉशरूम है, अच्छा है होटल। तो ऐसे ही ट्रेजेडी हुआ हमारे साथ, और क्या बताऊं, वैसे हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके लिए तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा ही, इतनी आसानी से हम नहीं जा सकते, तो चलेगा। अब जितना भी कष्ट हो, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही रहेंगे। क्या हो गया बताओ? भूख भी लग रहा है। हाँ, बारह बजने वाले हैं, बैग लेके वापस आएंगे, यही होटल पे ही खा लेंगे कुछ। वैसे हमारा तो व्रत है आज, तो ओहो भूख में हालत खराब है, हम फ्रूट्स ही खाएंगे, सावित्री व्रत है तो ठीक है। ये इधर देखिए, क्या ट्रेजेडी हुआ हमारे साथ फिर से। ट्रेजेडी ये था कि बैगेज काउंटर से एक बैग लाना भूल गए, फिर आधे रास्ते से फिर से एयरपोर्ट जाना पड़ा, फिर वहाँ डबल भाड़ा देना पड़ा, भाड़ा डबल देना पड़ा, फिर वहाँ उनको कन्विंस करो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, जो भी हो अल्टीमेटली मिल गया। हम लोग खाना खाने आए हैं अभी, और अभी तो 12 बज चुके हैं, तो इसीलिए व्रत अभी तोड़ देंगे, भूख लग रहा है बहुत जोर से। अभी खाना ऑर्डर दिया है, देखते हैं कितने देर में लाते हैं। देखो उसने खाना छोड़ दिया है। प्लेट मत दिखा, मेरा प्लेट मत दिखा, लोग सोचेंगे कितना खा रहे हैं। गाइस उपवास, गाइस देखो ये 2 कटोरी दाल खा ली, नहीं मैं मसाला खा ली, मैं नहीं खाई, आलू मटर भी खा ली, और रोटी मांग रही है, रोटी भी खत्म हो गया। कल हम निकलेंगे, कल फिर दिखाती हूँ मैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल में। तो अभी मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो कल मिलते हैं, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं,
और बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगी। और ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।